दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ एडमंटन से ही, और मेरे साथ कॉल आई हुई है और मैम इमिग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। पहले अपना नाम बताएं, नाम क्या है और कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मेरा नाम सैनिक है, मैं सऊदी अरब से फौरन जिद्दा से बात कर रहा हूँ। ठीक है मेजर नेगेटिव प्लेस जो है ना, हैदराबाद इंडिया से हूँ। ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी एको कर रही है। एनीवे बोलें, आप थोड़ा बताएं क्या क्या मसला है। सर एक्चुअली मैं कनाडा के विजिट के लिए आना चाह रहा हूँ, विजिट वीजे के लिए ओके, अप्लाई करना चाह रहा हूँ सर। विजिट वीजा अभी आजकल करेंगे तो आजकल माहौल अच्छा नहीं है विजिट वीजा के लिए। दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो कोरोना वायरस करके ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जी सर, तो इस करके अभी तो आप थोड़ा टाइम रुक जाएंगे। अगर 3-4 महीने 6 महीने रुक जाएंगे तो बेटर है। जी सर। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, आपको बहुत लाइक करता हूँ मैं। जितने ही मेरे कोलिग्स हैं आपके यूट्यूब चैनल को फॉलो करते, मुझे मौका मिला आपसे बात करने के लिए। आई लाइक यू, मुझे सरदार जी बहुत पसंद। आप जो लोगों को हेल्प कर रहे हैं, सही रास्ता जो बता रहे हैं, बहुत बहुत नेक काम है वो। सर जी, दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो मेरा शौक है इमिग्रेशन का काम करने का, सिर्फ ये प्रॉफिट करके या बिजनेस करके काम नहीं करता हूँ, पहली बात तो ये है। और दूसरा, अगर किसी को एडवाइस देने में, गाइडेंस देने में अगर किसी का भला होता है, जैसे बहुत लोगों का भला होता है जिनके पास LMIA गलत है या डॉक्यूमेंट्स गलत है। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था नेपाल से परसों, तो उन्होंने मेरे को दिखाया किसी को वीज़ा मिला है, फेक वीज़ा था। तो अगर उनके पैसे बच सकते हैं तो व्हाई नॉट, किसी का भला होना चाहिए। सर आपके पास जो इल्म है आप दूसरों को बांट रहे हैं, और आपके इल्म में और इजाफा होता है सर जी, आपकी आपकी मेहरबानी है, ऊपर वाले का कर्म है। सर। अक्सर हमारे जो उर्दू में जो है ना, अपने पास जितना इल्म है हम दूसरों को बता रहा, इसलिए हमारे को ज्यादा फायदा होता है। या चलो, फायदा फायदा नुकसान तो ऊपर वाला बाद में बात भी करेगा, लेकिन फॉर श्योर अभी आपके लिए बेहतर ये है कि अभी कम से कम थोड़ा सा कोरोना वायरस का खत्म हो जाए, फिर उसके बाद आप विजिट वीजा करें। और विजिट वीजा में सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो चाहिए पड़ेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं, होटल बुकिंग है, ट्रिप ट्रिप आने जाने का खर्चे का शो हो रहे हैं, आपकी नौकरी जहाँ काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह शो करेंगे, तब सर जाके आपको वीजा लगेगा। बता, सर मैं 1 साल में दुबई में काम करा, मैं हाँ 2009 में काम करा। एक्चुअली मेरा प्रोफेशनल जो है इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राफ्ट में सर, मैं मुझे बैकग्राउंड हाँ जो है ना, मैं पॉलिटेक्निक है मेरा, हाँ मैं बुर्ज खलीफा पे जो है ना वोल्टास कंपनी में काम करा, डिजाइन डिपार्टमेंट में एज ए इलेक्ट्रिकल ड्राफ्ट में। उसके हाँ बाद वहाँ से मैं सऊदी को आया 2010 में, यहाँ पर एक ही कंपनी सऊदी अलादीन गुरु बोल के, सऊदी अरब की बिगेस्ट कंपनी है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन की बहुत बड़ी कंपनी है सऊदी अरब की। उसी डिजाइन में हूँ सर, मैं उसी डिजाइन टीम में काम कर रहा हूँ यहाँ पर, रियाद में के अब्दुल्ला सिटी बोल के बहुत बड़ा फाइनेंशियल सिटी है, उसी प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है सर, सैलरी कितनी है पर मंथ? सर मेरी मोर देन 6,000 अबो है सर, कितने कितने बड़े ये डॉलर्स में कितने बने? सर करीब करीब $1,800 करीब बढ़ जाएंगे। ठीक है ठीक है। और शादीशुदा हो, वाइफ बच्चे हैं कुछ? कहाँ पर हैं वाइफ? मेरी शादी है, मेरी शादी नहीं हुई अभी? शादी हो गई सर, अच्छा शादी हो गई, शादी हो गई। तो वो कहाँ है फैमिली अभी? अभी फैमिली, अभी मेरी फैमिली यहाँ पर थी, यहाँ पर वो फैमिली को टैक्स लगा दिया ना, अभी इंडिया को भेज दिया हमारे फैमिली को। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जब आपके पास थोड़ा सा ये कोरोना वायरस का ये खत्म हो जाए, खतरा खत्म हो जाए, उसके बाद अप्लाई अप्लाई मेरे करना। पास मेरा वीजा और एक जर्मन का वीजा लगा हुआ है, मैं जर्मन नहीं गया सर। मैं आप सॉरी, एक जर्मन का वीजा लगा है, दूसरा कौन सा लगा है? जर्मन का वीजा लगा हुआ है, विजिट वीजा लगा हुआ है मेरे को, मैं जर्मन जा नहीं सकता। तो अगर हाँ अच्छी बात करिए, अगर आपके पास शेंगेन वीजा लगा हुआ है और अगर आप कोई कंट्री घूम के आ जाओ तो एक ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी, इसको यूटिलाइज करना चाहिए, अदरवाइज इसका फायदा नहीं। मेरे पासपोर्ट पे स्टाम्प लगा हुआ है, यूएई का लगा हुआ है, दुबई क्या बोलते हैं जर्मन का लगा हुआ है, अभी तो मैं जर्मन में तो इंटर हुआ नहीं, मैं नहीं गया मैं जर्मन को। ये बाकी कंट्री तो चलो ऐसी है, लेकिन अगर आपको जर्मन का वीजा लगा हुआ है तो यूरोप अगर आपके पास एक घूम कर आ जाओगे तो एक बेटर रहेगा कनाडा के लिए। इंटर होना जरूरी है सर वहां पर, जर्मन में हाँ नहीं हाँ एक बार जाके वापस आना जरूरी है एक बार। हाँ जी सर, एक्चुअली आपसे मैं स्टेट बात करूं सर, मैं घुमा घुमा के नहीं बात करूं सर, मैं यहां सऊदी अरब छोड़ के मैं कनाडा में सेटल होना चाह रहा हूं। मैं विजिट पे आके मेरा जो प्रोफेशनल जो है, मैं एज ए डिजाइनर इलेक्ट्रिकल, वहां पे मैं जाके
जॉब के लिए कोशिश करूंगा, समझ में आया तो फिर बैक टू वर्क में ऑफिस में आके मेरी जो जॉब है ना मैं कंटिन्यू कर लूंगा। अच्छी बात है। इसके बारे में जो मेरी फिलॉसफी है, जो इमिग्रेशन कानून क्या कह रहा है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 2 मिनट लगेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो सर से बात करना तो बहुत बड़ी बात है। हाँ ठीक है, तो इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि क्या इसका जो जो प्रोसीजर क्या है। जितने भी आपके ऑक्यूपेशन हैं, टेक्निकल ऑक्यूपेशन हैं, अगर आपको विजिट वीज़ा मिलता है तो आप वहाँ पर आएँ, कनाडा में जाएँ, लोगों से मिलें, एम्प्लॉयर से मिलें, जो असली एम्प्लॉयर हैं, एजेंटों से नहीं, असली एम्प्लॉयर से मिलें। और अगर आपको कोई जॉब देने को तैयार है तो उनसे आप कहें कि LMIA करके मेरे को जॉब ऑफर दें। तब सबसे पहली बात तो ये है, तो आपको जॉब ऑफर होना चाहिए। और अगर आपकी ऑक्यूपेशन, अभी हम इस बारे में डिस्कस करना नहीं चाहते आपकी ऑक्यूपेशन में कौन सी जॉब मिलेगी, क्या मिलेगी, अगर आपकी ऑक्यूपेशन में अगर कोई रिक्वायरमेंट है लाइसेंस की, जिसको रेगुलेटेड जॉब्स कहते हैं, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो आपको वहाँ का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। एक रेड सील का होता है, उसके बारे में कई वीडियोज़ आप देख सकते हैं यूट्यूब पे है, तो रेड सील का एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। और जब आप एग्जामिनेशन पास कर जाओगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। उसके बेस पे आपको डायरेक्टली कोई भी जो रेगुलेटेड जो जॉब्स में जो एम्प्लॉयर है वहाँ पर आपको वो पसंद करेंगे, आपको जॉब दे देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, अगर आपके पास पॉइंट्स बन रहे हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन एक्सप्रेस एंट्री में अंडर फेडरल स्किल ट्रेड क्लास में भी लगा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिलती है, अगर आप विजिट वीज़ा में गए जॉब नहीं मिलती है आपको, तो आप वहाँ पर रहें ना। आप अपना ऐसा नहीं कि वहाँ पर आप ओवर स्टे कर गए या कुछ और चक्कर आपने चला लिया, क्योंकि एजेंट कई हैं वहाँ पर, ये कर लो वो कर लो, लेकिन हर चीज़ में वो पैसा लगता है, देयर इज नो गारंटी। तो आप चुप करके वापस आएँ, सऊदी आएँ, अपनी जॉब कंटिन्यू करें और वहीं से फिर अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करें, जो रेड सील का जो जर्नीमैन सर्टिफिकेट है उसकी तैयारी करें। और उसको आपका निशाना होना चाहिए कि मेरे को रेड सील पास करना है, मेरे को उसमें एक लाइसेंस पास करना है, और लाइसेंस पास कर जाओगे तो लीगली आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी, PR लग जाएगी। तो ये मेरा है। कई लोग गलती ये करते हैं, और मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन कई लोग गलती ये करते हैं कि रेड सील जो उनका एक उनको वीज़ा मिल गया, और वीज़ा मिलने के बाद फिर जब वो पहुंचते हैं वो कहते हैं यार एक बार वीज़ा मिला है तो हम वापस क्यों जाएं, वहीं पर ओवरस्टे कर जाते हैं, या कोई स्टडी वीज़ा कर लेता है, कोई शादी का चक्कर कर लेता है, तो उससे उनका अगर अगर आगे की वो वीज़ा कामयाब नहीं होता तो पुराना वीज़ा का रिकॉर्ड खराब हो जाता है, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है उनको, तो वैसा ना करें बस। सर आप कनाडा में अगर जॉब सर्च कर सकते हो, वहाँ पे कुछ ऐसा तो कानून नहीं है, आप सऊदी में यहाँ पे विजिट पे आए जो काम पे वही काम करना है, पे विजिट पे जॉब के लिए यहाँ पर कानून जो है यहाँ पर नहीं है बोले सर, वहाँ कैसा कानून है वहाँ पर कनाडा में जो जिसका जिसका आपको जॉब मिलेगा, जिसका LMIA और वर्क वीजा मिलेगा, काम तो उसी में करना पड़ेगा। आपको अगर चेंज करना है तो आपको दूसरी आपको एक कैटेगरी दोबारा से अप्लाई करनी पड़ेगी। मैं जो जैसा मैं आना चाह रहा हूँ सही रूट है सर, जैसा मैं जो कर रहा हूँ सही है गलत है यार बताइए मुझे। सही है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपको विजिट वीजा मिलता है कि नहीं मिलता है ना। एक्चुअली चक्कर ये है कि विजिट वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, और आपके डॉक्यूमेंट्स में कितनी उसमें बुलंदगी है, क्या है डॉक्यूमेंट्स में, उनके उनका एक कॉन्फिडेंस होता है कि आप वापस आओगे नहीं आओगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दोस फैक्टर्स। सो हाँ, अगर कुछ डॉक्यूमेंट बता रहे सर आप, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, आई एम सॉरी, क्या करें, किस चीज के डॉक्यूमेंट्स है सर? डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए ना विजिट वीजा, वो आपको क्यों देंगे, आपकी जॉब जॉब का लेटर चाहिए, आपकी इनकम चाहिए, आपके पास पैसे कितने हैं वगैरह चाहिए, कनाडा में आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ रुकोगे, कितना खर्चा होगा, किससे मिलोगे, कब वापस आओगे, ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन्हें। सर यहाँ तो कंपनी से नो ऑब्जेक्शन लेटर कंपनी से मैं ले लेता हूँ सर, मेरा बैंक बैलेंस अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 अबो रियाल से मेरे पास अभी अकाउंट में पड़े हुए हैं, अब बाकी कंपनी जो भी लेटर चाहिए मैं यहाँ का सऊदी जो अटैच करा के लेटर से पूरे मिल जाएंगे। कंपनी का तो 10 साल से मैं कंपनी एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप अपने बेस्ट आइडिया ये है कि आपका जो कैनेडियन एम्बेसी है ना, जो कहाँ पर जेद्दा में है, कहाँ पर है, जेद्दा में कैनेडियन एम्बेसी जो की जो साइट है, काउंसलर की साइट है जेद्दा में, उनकी वेबसाइट पे जाके टूरिस्ट वीजा की जो चेकलिस्ट है वो देखें, उसमें आपके सऊदी के रिलेटेड जो आपके जॉब रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ लिखे होंगे। अगर आप इंडिया से करेंगे तो कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, मलेशिया से करेंगे और डॉक्यूमेंट्स हैं, चेकलिस्ट थोड़ा सा फर्क होती है, मुख्तलिफ होती है कंट्री बाय कंट्री, तो वो आप वहाँ डॉक्यूमेंट्स देखें, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करके अपनी फाइल में लगाएं और इंतजार करें, जब कोरोना वायरस का ये काम जब क्लियर होता है तब अप्लाई करें। मीनवाइल अगर आपको
यूरोप जाने का एक मौका मिलता है जहाँ शेंगेन आपका वीजा लगा हुआ है, तो वो आप पहले घूम कर आए, उसके बाद कनाडा में थोड़ा सा वे करें, ये मेरा सोचना है। ठीक है सर, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, शुक्रिया सर, आपसे जो बात करा बहुत खुशी सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच, ओके, आई थैंक यू, सर। थैंक यू, खुदा हाफिज़।